11 साल के बाद दिवाली के दिन रिलीज हो रही है कोई हिंदी फिल्म, क्या बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी टाइगर 3? वो दो वजह जिससे सलमान के लिए खड़ी होंगी बड़ी मुश्किलें, टाइगर 3 को झटका लगना तय। क्या कह रहे हैं जानकार, क्या कह रहे हैं क्रिटिक्स, क्या लगेगा सलमान को जोर का झटका धीरे से? यशराज फिल्म्स की टाइगर 3 से सलमान खान फिर एक बार बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने आ गए हैं। सलमान खान की ये फिल्म देखने के लिए उनके फैंस बेहद ही उत्सुक हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या दिवाली के दिन ऑडियंस थिएटर में जाकर ये फिल्म देखेगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने कई लोगों से बात की और जानकारों से भी जानकारी जुटाई। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान दिवाली के खास मौके पर अपने फैंस को टाइगर 3 का गिफ्ट दे रहे हैं। जी हां, दिवाली के दिन रविवार यानी कि 12 नवंबर को भाईजान की फिल्म थिएटर में दस्तक देने जा रही है। ऐसा 11 साल के बाद होने जा रहा है जब दिवाली के दिन कोई हिंदी फिल्म रिलीज होने वाली है। दिवाली के एक दिन आगे या एक दिन पहले कई फिल्में आई हैं, लेकिन दिवाली के दिन ही 11 साल से कोई फिल्म नहीं रिलीज हुई। इससे पहले शाहरुख खान की जब तक है जान दिवाली के दिन 13 नवंबर 2012 को रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। अब यशराज फिल्म फिर एक बार सलमान खान के साथ टाइगर 3 रिलीज कर रहे हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस फिल्म के बारे में ट्रेंड एनालिस्ट और फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या कहना है। ट्रेंड एनालिस्ट अक्षय राठी का कहना है कि मल्टीप्लेक्स के साथ साथ सिंगल स्क्रीन में भी टाइगर 3 को लेकर काफी जोश है। एडवांस बुकिंग से ये साफ हो रहा है कि लोग सलमान की फिल्म देखने के लिए बेहद उत्सुक हैं। अब तक की एडवांस बुकिंग और लोगों का रिस्पांस देखकर कहा जा सकता है कि सलमान को फिर एक बार बॉक्स ऑफिस ने ग्रीन सिग्नल दिखाया है। भले ही फिल्म दिवाली के पहले दिन लक्ष्मी पूजा पर रिलीज हो रही हो, लेकिन फिर भी दिवाली के ये दो दिन फिल्म अच्छा बिजनेस करेगी। पहले दिन से दूसरे दिन कलेक्शन में कई गुना बढ़ोतरी होगी। फिल्म क्रिटिक सुमित कार्डेल का कहना है कि टाइगर 3 रिलीज की शुरुआती 8 दिनों में 300 से 360 करोड़ की शानदार कमाई कर सकती है। अगर उनका ये प्रेडिक्शन सही हुआ तो ये सलमान खान के करियर की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म होगी। टाइगर 3 की रिलीज के सामने दो परेशानियां खड़ी हैं, जिसके चलते फैंस ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ठीक दिवाली के दिन इस फिल्म को रिलीज करने का मेकर्स का फैसला सही है या गलत। किसी भी फिल्म के लिए उसका ओपनिंग डे बेहद ही खास होता है और इस दिन के साथ फिल्म के चलने और न चलने का फैसला भी होता है। इसके अलावा ओपनिंग डे के कलेक्शन से नए नए रिकॉर्ड्स बनने की शुरुआत भी होती है। लेकिन मौका दिवाली का है, इसलिए टाइगर 3 के सामने दो मुश्किलें हैं। अक्सर देखा जाता है कि सितारे अपनी फिल्मों को त्योहारों के अवसर पर रिलीज करते हैं, लेकिन दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसका बच्चे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली में घरों में पूजा होती है, खूब सारी तैयारी होती है और इस दिन हर कोई अपने परिवार के साथ व्यस्त होता है। ऐसे में ठीक दिवाली वाले दिन टाइगर 3 देखने के लिए लोगों का सिनेमाघरों में जाना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं दूसरी परेशानी की बात करें तो दिवाली के दिन जहां कई लोग त्योहार और घर की साज सज्जा में बिजी होंगे, तो दूसरी ओर क्रिकेट के चाहने वाले मैच देखेंगे। दिवाली पर इंडिया और नीदरलैंड का वर्ल्ड कप मैच भी है। अब भारत में क्रिकेट प्रेमी एक बार के लिए खाना छोड़ दें, लेकिन वर्ल्ड कप का मैच तो नहीं छोड़ सकते, वो भी तब जब भारत का मैच हो और भारत इतना बेहतरीन खेल रहा हो। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि लोग मैच और फिल्म में किसको चुनते हैं, और इसी के साथ देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सलमान खान को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट #भारत।